नमस्कार प्रणाम सभी दोस्तों को, और मैं दिलीप, मेरे यादव दिलीप ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अब नई डिजाइन लगाने जा रहा हूँ। आज आप लोगों को शुरू से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने ये पेन ड्राइव लगा लिया है। अब इसमें जो मेरे को नई डिज़ाइन मिली है, मैं उस पर चल रहा हूँ काम करने। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और आप लोग देखिए मैं कैसे नई डिज़ाइन बना रहा हूँ और नए सिरे से बिल्कुल बनाऊंगा आज। तो इस क्योंकि वो इस मशीन में नहीं है, तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ उस डिज़ाइन की तरफ जो मुझे मिली है। तो मेरे हाथों की तरफ देखिए और उंगलियों की तरफ, मैं कौन सा लगाने जा रहा हूँ कौन सा नहीं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नहीं पता था कि मुझे कौन सी डिज़ाइन दी गई है, तो उसके बाद मैं पहले डिज़ाइन लिख चुका हूँ। तो चलता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कौन सी डिज़ाइन है। वैसे मेरे को लगा था मेरी डिज़ाइन 924 की है, सबसे पहले नंबर पर है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कॉपी। तो कॉपी हमारी कहाँ गई, कि कॉपी हमारी पड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉपी में ढूंढ लेते हैं कि हमारा कौन सा डिज़ाइन था हमने जो लिखा हुआ था। तो ये 924 यहाँ दिख गया है, तो 924 न्यू लिखा था। तो अब हम चलते हैं अपनी इधर मशीन के पास, और ये 924 यहाँ है, ये देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, ये 924 है। तो इसको हम ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो यहाँ पर कॉलर, बाजू, बी से बैक और एफ से फ्रंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ्रंट को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट क्या किया, लोड कराया। अगर इसमें डिजाइन नहीं रहती है तो ऐसे लोड होता है, ओवरहेड नहीं मांगता है। देखिए ये फिनिश हो गया, अब हम यहाँ से वापस आ सकते हैं। तो हमने वापस हो गए, तो हम पहले फ्रंट लोड करा लिया, अब फ्रंट पर ही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये POCO 05 है, ये भी तीन तार वाला पीस है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, 1, 2, 3 फिटर इसमें भी चल रहे हैं, ये तो कटाई का फिटर है, और 3 फिटर उसमें भी चलेंगे। तो हमने क्या करना, इसी की कॉपी करा देनी है, इसी की कॉपी हम उसमें कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हम कॉपी करा के आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे कॉपी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें पेन ड्राइव लगाए, इसे जो डिज़ाइन इसमें डाले हैं फाइल में कंप्यूटर में, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उसको यहाँ लगाएंगे ऊपर, जो कि वर्क करेगा मशीन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसको लगाएंगे। तो वो जो हमारा डिज़ाइन है दोस्तों, वो अब यहाँ पर हमें एक नंबर पे नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या करना है कि जो सबसे लास्ट में डिज़ाइन लोड कराई जाती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अपनी डिज़ाइन F3 का मतलब क्या होता है, जो F3 होता है इसका मतलब क्या होता है, मैं इस नाम से वीडियो डाला हूँ। तो हम F3 को 1, 2 बार क्लिक कर दिए, तो सबसे पहले एक नंबर पे 924F यहाँ दिख रहा आप लोगों को, ये आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पर अभी पूरी अपना कर लिया, मतलब लोड हो गया। और एक मिनट, तो यहाँ पर लोड हो गया, यहाँ पर 924F दिखने लगा, यहाँ POCO 3305R था। तो अब उसके बाद हमने ये डिज़ाइन लगा लिया। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये देखिए हमारा सारा 180 एक ही अंक सारा है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है ना कोई कुछ है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका फिटर 1, 2, 3 और 8 है। तो हमने क्या करना है, जैसे जैसे इसका फिटर लगा हुआ था POCO 33 का, तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, हमने उसकी कॉपी करा लेनी। तो कॉपी हम कराएंगे, हमारे यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे लिखा हुआ है वर्क पैरा कॉपी, आप लोगों को दिख जा रहा होगा। और हमारे इस उंगलियों की तरफ देखिए, हमने वर्क पैरा कॉपी कराने के बाद हमने इसको इंटर को, ये ऐसे निशान है तो ये इंटर का है, क्लिक किया। तो सबसे पहले हम जिसका कराएंगे उस पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर जाएंगे, तो हमें याद है कि कौन सी डिज़ाइन हमें कहाँ रखी हुई है, तो हम उसी हिसाब से चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए POCO 05F वाला है, तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लेना। देखिए सेलेक्ट पैटर्न लिखा, सेलेक्ट हमने कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट 2 आ गया, सेलेक्ट 2 में हमने F3 दबाने, तो सबसे पहले भी वही ऊपर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना। तो यहाँ लिखा है कि वर्क पैरा कॉपी POCO 05F से, ये देखो तीर का निशान बनाया हुआ, आप लोग ये देखिए लाइट आ रही है ना, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, पाइप आ गया 924F में आएगा, और इंटर करेंगे तो हो जाएगा, चाहे तो हम यहीं से इंटर कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए हम वहीं से इंटर करके हो गया, की पैड प्लस टच, ये हमारी मशीन दोनों है। तो क्या करेंगे, हमारा नोटिस आ गया कि हमारा फिनिश हो गया, तो हम वापस आ जाते हैं। तो हम वापस आ गए, अभी हमारी क्या हुआ कि इधर मशीन बोल रही है, तो हम उसको चल रहे हैं चला के, इसके बाद फिर इधर आते हैं।
तो वर्क पैरा काफ़ी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पीछे आ जाते हैं दोस्तों, और पीछे आने के बाद हम चलते हैं, देखते हैं अब हमारा क्या क्या रह गया है करने को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निडिल पोज। निडिल पोज तो हमारा यहाँ देखिए दोस्तों ओके है। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिखेगा, यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिखेगा तो आवाज़ नहीं सही से जाएगी और डिस्प्ले पर भी नहीं बता पाएंगे आप। चलिए कोशिश करते हैं हम यहाँ से सही दिखाएँ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जा रही है वीडियो बनाने में, तो इसलिए हम एक एक यहाँ पर रखते हैं ऐसे। तो दोस्तों हम आ जाते हैं 9 नंबर पे, यहाँ से देख लेते हैं हमारा 1 2 3 आप लोगों को दिख रहा है। तो 1 2 3 की जगह हमने जो जो फिल्टर लगाए हैं जैसे जैसे हमने वैसे कर देना है। तो हम लगाए हैं अभी यहाँ पर 5 नंबर, तो हमने क्या कर देना है यहाँ पर 5 भर देना है। इसके बाद हम लगाए हैं 3 नंबर, तो हमने क्या कर देना है यहाँ पर 3 नंबर भर देना है, या हम 3 नंबर को वहीं पर रहने देते हैं, 2 और 3 हमारा लगा हुआ है, 2 और 3 हम रहने देते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें कटाई नहीं चलानी है, कटाई के साथ साथ कोई और ही धागा चलाना है, तो हम क्या करते हैं सीधे इसकी जगह पे हमने क्या करना है कि अब आगे जाके हम F1 दबाएंगे। F1 दबाएंगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो हम यहाँ से आके ये वेटिंग देखिए WYARN लिखा हुआ है, वेटिंग यार्न है यहाँ पर, तो हम इसको करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, या तो यह फोन से भी हो जाएगा, यहाँ पे टच करेंगे तभी हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं इस वेटिंग यार्न के पास, वो फिटर लगाएंगे जो हमारा चलता है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि 3 नंबर फिटर जो हम है वो लगा देते हैं, क्योंकि वो कटाई में चल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से 3 नंबर भर देते हैं। 3 नंबर भरने के बाद हमारा यहाँ 3 नंबर ओके हो गया। अब इसी के साथ साथ हमने 8 नंबर फिटर यहाँ नहीं लगाना, नहीं तो दोनों फिटर साथ में उठा लेगी। 8 नंबर फिटर की जगह हमने ये लगा दिया तो वेटिंग फिटर में, तो 8 नंबर हम नहीं लगाएंगे अभी, 3 ही फिटर से हमारा काम हो जाएगा। अब इसी 3 फिटर से हमारा काम भी हो जाएगा और इसी यही 3 नंबर फिटर हमारे यहाँ पर कटाई डाल देगा। तो कुछ इस तरह हम कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम देखिए अब मशीन को क्या करेंगे, इसको ये हैंडल को हम इस तरह करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ रिसेटिंग लिख दिया है, तो यहाँ पर हमारी मशीन रिसेटिंग हो रही है। तो इसके बाद जैसे ही रिसेटिंग हो जाएगी, इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ से लॉक लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए ये आप लोगों को दिख जाएगा, लॉक लगाएंगे तो ये देखिए ये वाला चीज़ लॉक लगेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर चेक कर लेते हैं। तो नंबर तो हमारे यही चल रहे हैं, और हो सकता हो हम थोड़ा इसे टाइट कर लें, क्योंकि धागा हमारा उस हिसाब का नहीं है, तो हमने इसको टाइट कर लिया नंबर। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने नंबर को टाइट कर लिया, टाइट करके हम इससे करेंगे तो सारी लाइनों का नंबर एक जैसा, ये देखिए हो गया ना एक जैसा। तो इस तरह हमने अपनी पीस को क्लियर कर लिया। अब ये हो गया हमारा प्रोसेस, अब हम बनाएंगे पीस और चलाएंगे मशीन। ये देखिए हमने क्या किया, एक गेड़ा दे दिया मशीन का, अब इधर क्या होगा हमारी मशीन चल पड़ेगी। जिन लोगों को हम फिटर यहाँ पर दिखाए हैं, यहाँ पर जो 5 2 3 और इसी के साथ यहाँ 3 लगाए हैं, वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि देखिए ये हो गया 5 नंबर। अब यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, अब 5 नंबर हो गया। इसके बाद 3 नंबर वो मशीन लेके जा रही है, वो देखिए अब इसको मशीन 3 नंबर लेके आ रही है। इसके बाद हमने क्या करना, 2 नंबर हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है, और जो मशीन लेके आ रही है इस समय देखिए हमारे यहाँ पर कटाई पड़ रही है, 1 2 1 2 1 2 से कटाई पड़ रही है। और ये 8 नंबर का फिटर है, उसकी जगह पर हम वेटिंग लगाए हैं। अगर आप लोगों को दिखना होगा तो यहाँ पर दिख सकता है कि एक देखिए यहाँ पर ये चीज़, ये मेरे हाथ पे आप लोगों को दिख जाएगा, एक ये निकला हुआ है और एक यहाँ पर इसको फिटर को लेके जा रहा है। तो एक ये चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर फिटर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका काम यहाँ पर हम वेटिंग फिटर से कर दे रहे हैं। तो ये पैर भी चढ़ा लेगी, साथ साथ में ये मैचिंग में भी धागा यही लगेगा, इसलिए हमने दोनों इकट्ठा कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारी सैंपल बनाने की, नया सैंपल। जैसे ही हम नया सैंपल लगाएंगे दोस्तों, हमारी इस तरह चल पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों, और हम इसके साथ साथ जैसे जैसे लगाएं वैसे वैसे हम यहाँ पर धागा भी अपना बांध लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं, और चलिए दोस्तों हम लगाते हैं और वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं। और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।